नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी पूरी कथा आपको अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कथा के अनुसार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत ही असहज हो जाती हूँ, यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि माँ पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ भी नहीं कहती हैं। शिव जी चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही रावण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, प्रणाम महादेव। शिव जी कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण बोला, मैं तो बस आपके दर्शन करने आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने रावण को समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा कैलाश पर आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण कहता है, महादेव यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। शिव जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारी क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कैलाश पर्वत पर मत आया करो। रावण कहता है कि फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे ही पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। शिव जी कहते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है। समय बदलता है, हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। रावण सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। जटाटवी गलज जलल प्रवाह पावितस्थली गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। रावण कहता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे घमंड को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु जी ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने यह अपना निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया गया। शिव जी कहते हैं, अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उसी के अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है। अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेज देता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय।